अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं जी? क्या कर रहे हैं? आपके पास बहुत सारी चीज़ें रखी हुई नज़र आ रही हैं कमरे में मुझे। क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं? ओहो, आपका बैग भी है, आपकी कॉपी भी है, पेंसिल, रेज़र, शॉर्पनर और क्या क्या चीज़ें, कितनी चीज़ें हैं भैया आपके रूम में? मुझे पता, गिन के तो बताइए कितनी चीज़ें हैं। गिने बताइए ज़रा, गिन के। गिनती नहीं आती? नहीं आती? हाँ, मेरे दोस्तों को गिनती नहीं आती है। अरे भाई, ये कैसे हो गया कि मेरे दोस्तों को गिनती नहीं आती है? चलें फिर सारे काम छोड़ते हैं आज, और आज हम क्या करते हैं, गिनती सीखते हैं जी, कि गिनती कैसे करते हैं उर्दू में। नहीं सीखना है ना, चलें सीखते हैं। मैंने क्या किया है आपके लिए, यहाँ पे मेरे पास कुछ पेंसिलें रखी हुई थी, इन पेंसिलों को पहले गिनना सीखते हैं कि कैसे गिना जाता है। ठीक है, मेरे साथ साथ गिनेंगे? ठीक है। एक, एक पेंसिल, एक। दो पेंसिल, दो। दो पेंसिल, दो। तीन पेंसिल, तीन। तीन पेंसिल, एक पेंसिल, दो पेंसिलें, तीन पेंसिलें। चार, चार पेंसिलें, एक दो तीन चार, चार पेंसिलें। पांच पेंसिलें, पांच पेंसिलें। छह पेंसिलें, छह पेंसिलें भाई। सात पेंसिलें, सात पेंसिलें, एक दो तीन चार पाँच छः सात पेंसिलें। आठ पेंसिलें, आठ पेंसिलें भाई, आठ पेंसिलें। और हमारे पास ये नौ पेंसिलें, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ पेंसिलें। और ये हमारे पास आ गई है दस, दस पेंसिल। ये हमारे पास मिला के कितने पेंसिलें मौजूद हैं? दस पेंसिलें। काउंट करें, दोबारा से गिनती करें। करते हैं भाई, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। ये कितनी है मेरे पास सारी? मेरे पास हैं ये दस पेंसिलें, दस पेंसिलें। ठीक है, तो आपको को गिनती गिनना आ गई ना? कैसे गिनते हैं हम कि एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस पेंसिलें। ठीक है जी, इसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि ये पेंसिल जो हमने गिनी है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, इनको लिखते कैसे हैं जी, इनको लिखते कैसे हैं, इनको नंबर में कैसे लिखते हैं, इसको उर्दू में कैसे लिखते हैं, सीखना है आप लोगों ने। चलें जी, अपनी बुक निकालें और उसका सफ़ा नंबर निकालें, 29। हमारे पास सफ़ा नंबर 29 मौजूद है। इस पर देखेंगे पहले आइकन कौन कौन से मौजूद है। हमारे पास दो आइकन्स मौजूद हैं, लाइन्स बनी और उंगली रखी हुई है। इसका मतलब क्या होता है? पढ़िए, यानी कि हमने पहले पढ़ना है, इसके बाद बर्पी आदि शक्ल है। पेंसिल रखी हुई है, मतलब पेंसिल फेरनी है। पहले पेंसिल पढ़ेंगे, उसके बाद पेंसिल फेरेंगे, और सबसे पहले तारीख लिखेंगे। ठीक है जी, चलें जी, अब देखें यहाँ पे क्या है। ये यहाँ पे है ये एक सेब, एक एक एक। इसको हम लिखते कैसे हैं? एक 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 एक, दो एक दो 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 दो, एक दो दो दो, एक दो तीन 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 तीन, चार चार, एक दो तीन चार 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 चार, वेरी गुड। पाँच, एक दो तीन चार पाँच 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 पाँच,
छः, एक दो तीन चार पाँच छः, छः छः नंबर में ऐसे लिखेंगे और उर्दू में इसको ऐसे लिखेंगे, इसकी गिनती में ये लिखेंगे, लिखेंगे इसको ऐसे, छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात सात, सात सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ आठ, आठ आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ नौ, नौ नौ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस दस, दस दस। अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को बार बार देखना है, बार बार देखना है, ताकि आपको पता चल जाए कि एक कैसे लिखा जाता है नंबर में और उसे उर्दू में कैसे लिखते हैं, एक एक। इसी तरह से जब आप इसको पढ़ लेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो फिर क्या करेंगे, पेंसिल शॉप करेंगे अपनी, और पेंसिल शॉप करने के बाद यहाँ पे जो डॉट्स दिए हुए हैं इन नुक्तों को मिलाएंगे, और इन नुक्तों को मिला के आप जो है लिखना सीखेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे बारी बारी, आप जो है इनको काउंट करते जाएंगे और यहाँ लिखते जाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है जी। जब लिखने की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको गिनती करना भी आ जाएगी, इसके नंबर्स भी लिखना आ जाएंगे, और लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना। अब आप क्या करेंगे, जब वीडियो बार बार देख लेंगे, बार बार देख लेंगे, तो उसके बाद जब टीचर की कॉल आएगी तो आप उन्हें बताएंगे कि आज हमने बहुत ही अच्छा काम किया था, एक बहुत नई एक्टिविटी की थी और उसमें हमने आज गिनती सीखी थी। जी, हमने गिनती लिखना भी सीखी थी और गिनती करना भी सीखी थी। आप उनको बताइएगा, उनको सुनाइएगा, और अपने इस काम की पिक्चर उन्हें भेज दीजिएगा। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।